हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप 2019 के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के पास वाला घंटा भी बजा दें एंड आल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि इंस्पायर स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप के होम पेज पर। काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे कमेंट्स बॉक्स में पूछे जा रहे हैं कि सर ये बताइए कि मेरा एलिजिबिलिटी नोट अभी तक मुझे नहीं मिला है, बोर्ड ने अभी तक नहीं भेजा है, क्या मैं इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, और मैंने फॉर्म ही भर दिया है और उसमें एलिजिबिलिटी नोट नहीं लगाया है या लगाना भूल गए हैं, तो क्या मेरा फॉर्म कैंसिल होगा? विदाउट एलिजिबिलिटी नोट इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलेगी या फॉर्म कैंसिल हो जाएगा? इस टाइप के क्वेश्चंस लगातार मेरे कमेंट्स बॉक्स में पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने आपको जैसा वादा किया था कि आपके लिए वीडियो आएगा जिसमें मैं बात करूँगा कि जिन स्टूडेंट ने, जैसे कि CBSE बोर्ड है और उसके बाद में बिहार बोर्ड के भी एलिजिबिलिटी नोट नहीं आए, छत्तीसगढ़ के भी लगभग, तो इस प्रकार काफ़ी सारे स्टेट हैं जिनका एलिजिबिलिटी नोट जारी नहीं किया गया है। काफ़ी सारे बोर्ड हैं जैसे CBSE मेन है, तो इन स्टूडेंट का अभी भी एलिजिबिलिटी नोट इन्हें नहीं मिला है, तो इनके ही क्वेश्चंस लगातार मेरे पास आ रहे थे और मैंने उनसे वादा भी किया था कि आपके लिए तुरंत वीडियो आएगा जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपके लिए वीडियो आ चुका है। अब बात करते हैं कि क्या इंस्पायर स्कॉलरशिप के ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान एलिजिबिलिटी नोट लगाना मैंडेटरी है या नहीं है, क्या अनिवार्य है या नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास आपका एलिजिबिलिटी नोट नहीं है तब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, आपकी स्कॉलरशिप आएगी, ये हमारी गारंटी है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि उसमें ऐड करने का ऑप्शन है, एलिजिबिलिटी नोट ऐड करने का ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स हाँ, एलिजिबिलिटी नोट ऐड करने का ऑप्शन है, लेकिन उसमें स्टार नहीं लगा है। जितने भी आप ऑनलाइन जब फॉर्म भरते हैं, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी होती है, यहाँ पर पासवर्ड डालना होता है और यहाँ पर साइन इन करते हैं, इसके लिए आपको करना होता है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो है, ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको करना होता है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप, ऑनलाइन फॉर्म आफ्टर रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं इसके लिए भी ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कैसे कैसे फुल ए टू जेड इन्फॉर्मेशन के तहत अब मैंने आपको ये वीडियो बताया है जिसमें आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स हाँ, उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप एलिजिबिलिटी नोट 1 MB का अपलोड कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शन मैंडेटरी नहीं होता है, अनिवार्य नहीं होता है, ज़रूरी नहीं होता है। आपको ज़रूरी होता है एंडोर्समेंट फॉर्म आपको अपलोड करना ही करना है। विदाउट एंडोर्समेंट फॉर्म अपलोड किया आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो जिन स्टूडेंट, जैसे कि CBSE बोर्ड है और काफ़ी सारे स्टेट बोर्ड ने अभी तक, जैसे बिहार बोर्ड है, वेस्ट बंगाल बोर्ड है, इन्होंने अभी तक अपना एलिजिबिलिटी नोट जारी नहीं किया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे भरोसे बैठे हुए हैं कि सर आप जैसे ही बताएंगे वैसे हम करेंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जितनी जल्दी हो जाए आप करिएगा, जो भी आपको दिक्कत आ रही हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फाइनली विदाउट एलिजिबिलिटी नोट आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका फॉर्म सबमिट होगा, आपकी स्कॉलरशिप भी आएगी। इंस्पायर स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सब सलूशन है हमारे पास, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और आपके जो भी प्रॉब्लम हो हमसे शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।